घड़ी के अंदर थे अपने उसी घड़ी के अंदर कंटिन्यू, तो लगातार अपनी क्लासें आ रही है उसी घड़ी के अंदर अपनी क्लास आज की भी रही। जो भी चैनल के ऊपर नए जुड़े जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और एक अगर अच्छी लगे, अगर आपको लगे रियल में यह क्लास फ़ायदेमंद साबित हो रही है, जो दीपक सर करवा रहे हैं वो रियल में फ़ायदेमंद साबित हो रहा है, जो इतनी फास्टली क्लास को निकाल देते हैं, इतनी जल्दी से पूरा रिवाइज करवा देते हैं, अगर रियल में आपके फ़ायदेमंद है तो एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करो, क्योंकि जिससे मेरे को हौसला मिलता रहे। अगर आपको अच्छा लगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, रियल में अगर आपको फ़ायदा हो तभी करना, वरना आपके ऊपर कोई भी बंदिश से नहीं है। जो मेरे से पढ़ रखा है उसके लिए तो बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी, क्योंकि जो मैं ऑफलाइन में सेव करवाता हूँ बिल्कुल डिटो का डिटो वही मैं यहाँ पर छाप देता हूँ, तो बहुत अच्छे से करेंगे। जल्दी उसी कड़ी के अंदर अपनी आज की क्लास है, तो उसी कड़ी के अंदर अपने बात करते हैं। हाँ जी, बस सुनते जाना। संविधान सभा, संविधान सभा, संविधान सभा। अच्छा, दो मिनट रुकना, इसको मैं सेट कर लेता हूँ थोड़ा सा। हाँ जी, ठीक है, बस सुनते जाना। संविधान सभा, संविधान दिख नहीं रहा आपको? ठीक है, कोई बात नहीं। संविधान सभा बहुत अच्छे से सुनना, बस 5 मिनट का काम है, पूरी संविधान सभा भी निकल जाएगी आपकी, जैसे मैंने करवाया वैसे वैसे सुनना 2 मिनट। संविधान, संविधान की सबसे पहले मांग करने वाला, संविधान की सबसे पहले मांग करने वाला, संविधान की सबसे पहले मांग करने वाला 1895 में बाल गंगाधर तिलक था, बाल गंगाधर तिलक था, ठीक है। 1922 में गांधी जी ने कहा, महात्मा गांधी ने कहा, भारतीयों का संविधान भारतीयों के द्वारा होना चाहिए, भारतीयों का संविधान भारतीयों के द्वारा होनी चाहिए। 1934 में सबसे पहले औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की जाती है, सबसे पहले औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की जाती है, संविधान सभा की मांग की जाती है। संविधान सभा की मांग करने वाला एम एन रॉय था, ठीक है। 1936 में सबसे पहले कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया भी संविधान सभा होनी चाहिए, कौन सी अधिवेशन में? फैजपुर अधिवेशन, महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र के फैजपुर अधिवेशन में सबसे पहले गांधी जी ने, कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया क्या होनी चाहिए? संविधान सभा होनी चाहिए। 1940 के अगस्त प्रस्ताव में सबसे पहले किसने स्वीकार? ब्रिटेन ने स्वीकार कर लिए भी हम आपको क्या बना के देंगे? एक संविधान सभा बना के देंगे। 1942 की बात करता हूँ तो क्रिप्स प्रस्ताव भारत आता है 1942 में, इसका अध्यक्ष स्टीफर्ड क्रिप्स था। क्रिप्स प्रस्ताव ने भारत को डोमिनियन राज्य घोषित करना चाहा, डोमिनियन राज्य घोषित करना, संविधान सभा बना के देंगे लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बना के देंगे, ये बात कही। महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा, ऐसे बैंक का चेक जिसकी तारीख निकल चुकी हो। पंडित जी ने यहाँ पे क्रिप्स प्रस्ताव को दिवालिया घोषित कहा, यानी कि ऐसे बैंक का चेक जो पागल हो चुका हो, दिवालिया घोषित। और मुसलमान ने इसका क्रिप्स प्रस्ताव का बहिष्कार किया कि उनको 2 संविधान सभा चाहिए, क्रिप्स प्रस्ताव बोलता है हम तो एक ही संविधान सभा बना के आपको देंगे। इसके बाद में कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 24 मार्च 1940 को भारत आता है। ये 16 मई 1940 को अपनी रिपोर्ट पेश करता है और कहता है ब्रिटिश भारत से व्यक्ति चुने जाएंगे, इसके साथ में यहाँ से चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से चुने जाएंगे, देसी रियासतों से चुने जाएंगे, प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर चुने जाएंगे। ब्रिटिश भारत से 292 आने थे, चीफ से 4 आने थे, देसी से 93 व्यक्ति आने थे, टोटल 389 व्यक्ति आने थे जुलाई में, लेकिन 93 व्यक्तियों ने यहाँ पे देसी रियासतों ने भाग लेने से मना किया, 93 व्यक्तियों ने भाग लेने से मना किया, टोटल 296 व्यक्तियों पे चुनाव होता है जुलाई अगस्त के महीनों में। जुलाई अगस्त 1940 में टोटल यहाँ पे कितने व्यक्तियों पे? 296 व्यक्तियों पे चुनाव होता है। 296 में से अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे सामान्य वर्ग को, यहाँ पे बात करता हूँ कांग्रेस को कितनी सीटें मिलती है, कांग्रेस को सीटें मिली थी 208,
मुसलमान को कितनी 73 सीटें मिली थी, अन्य को कितनी 15 सीटें मिली, टोटल 9 पार्टी थी, टोटल 9 पार्टी थी। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ पहले संविधान की बैठक कब होती है, 9 दिसंबर 1946 को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को यहाँ पे अस्थाई अध्यक्ष बनाया जाता है, फ्रैंक एंथोनी को यहाँ पे मनोनीत उपाध्यक्ष बनाया जाता है। अगर मैं बात करूँ पहली बैठक में 211 व्यक्तियों ने भाग लिया था, दूसरी बैठक 11 दिसंबर को होती है, 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है, यहाँ पे अस्सी मुखर्जी व वी टी कृष्णमचारी को उपाध्यक्ष बना दिया जाता है, तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1940 को होती है, पंडित जी ने यहाँ पे उद्देश्य प्रस्ताव रखे, उद्देश्य प्रस्ताव तो 22 जनवरी 1940 को मान लिए जाते हैं, 1947 को मान लिए गए, इसी उद्देश्य प्रस्ताव को वर्तमान में भारत के संविधान की प्रस्तावना कहा जाता है, वर्तमान में भारत के संविधान की प्रस्तावना कहा जाता है। आगे सुनना, संविधान का तीन बार वाचन हुआ था, पहली बार तो हुआ था 9 नवंबर, तीन बार तो वाचन हुआ था तो याद कैसे करना है, तीन बार 48 लिखना, दो बार 49 लिखना, सभी के साथ नवंबर लिखना, इसके साथ अक्टूबर लिखना, सभी के साथ नवंबर लिखना, 4 से 9, 15 से 17, यहाँ पे 4 से 14, 26, 26 नवंबर 1949 को संविधान का अंतिम वाचन था, अंतिम वाचन के दिन संविधान को स्वीकार कर लिया गया, यानी कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार कर लिया जाता है, यहाँ पे 16 अनुच्छेद लागू कर दिए जाते हैं, आंशिक रूप से संविधान कब लागू हो जाता है, 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से संविधान लागू हो गया, शेष 394 भी लागू हो जाता है, 394 में लिखा गया शेष कब लागू होंगे, 26 जनवरी 1950 को लागू होंगे, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये तो हुई बात इसकी होगी, और भारत का संविधान का जो शीर्षक मिलता है, भारत का संविधान जो शीर्षक मिलता है ये कौन से अनुच्छेद में मिलता है, ये 393 में लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं, टोटल अधिवेशन की बात करता हूँ, तो टोटल भारत के संविधान सभा में टोटल कितने अधिवेशन हुए थे, 12 अधिवेशन हुए थे, पहले अधिवेशन का समय 9 दिसंबर 1940 से लेकर 23 दिसंबर 1940 था, टोटल पहले अधिवेशन में 11 बैठकें हुई थी, अंतिम अधिवेशन की बात करता हूँ तो 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक था, इसी अंतिम अधिवेशन था, 12वां अधिवेशन था, इसी 24 जनवरी 1949 को जो अंतिम बैठक थी, इसी दिन की मैं बात करता हूँ तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति बना दिया जाता है, इसी दिन राष्ट्रीय गीत यानी कि वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत घोषित कर, वंदे मातरम तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखित है, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से लिया गया, सबसे पहले तो 1896 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, इसी 26 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगान किसे घोषित करी, जनमनगण को राष्ट्रगान घोषित किया, राष्ट्रीय गान तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि बुक में क्या लिखा था, यह सबसे पहले तो गाया गया था 1911 के कोलकाता अधिवेशन में, इसी गीतांजलि बुक के ऊपर उसे नोबल पुरस्कार मिला हुआ है, किसे मिला हुआ है, रविंद्रनाथ टैगोर को। आगे चलते संविधान सभा की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे हस्ताक्षर कितने व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किए थे, यहाँ पे संविधान पे हस्ताक्षर करने वाले 284 व्यक्ति थे, 284 में से सबसे पहले हस्ताक्षर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, सबसे अंतिम हस्ताक्षर तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, राजस्थान से सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाला कौन था, बलवंत राय मेहता राजस्थान से सबसे पहले, टोटल संविधान सभा में 15 महिलाएं थी, 15 में से 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे, एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम एजाज रसूल थी, एकमात्र देसी रियासतों से चुनकर आई संविधान सभा एनी मस्करीनी थी, एकमात्र देसी रियासतों से चुनकर आने वाली महिला थी। आगे चलते हैं, ठीक है, पंडित जी ने तो संविधान सभा को चलाएवान राष्ट्र कहने वाला पंडित जी था, आईवर जेनिंग्स ने तो इसे संविधान सभा को वकीलों का संविधान कहने वाला आईवर जेनिंग्स था, केटी शाह ने उदार का थैला कहने वाला केटी शाह था, क्योंकि भारत का संविधान 60 देशों से लिया गया था, वो पढ़ लेंगे। ठीक है, आगे ग्रेनविन आस्टिन ने तो भारत के संविधान को कहा कांग्रेसी सॉरी
संविधान सभा ही कांग्रेस है, संविधान सभा ही कांग्रेस है, संविधान सभा ही कांग्रेस है, संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है, संविधान सभा ही कांग्रेस है, कांग्रेस की भारत, ये कथन थे। उसके बाद में संविधान को सबसे पहले इंग्लिश में लिखा गया था, इंग्लिश में लिखने वाला प्रेम बिहारी नारायण रायजादा था, नारायण रायजादा था। इसमें सौंदर्य का काम करने वाला नंदलाल बोस व बिहुअर राम मनोहर सिन्हा था। ठीक है, हिंदी में लिखने वाला बसंत कृष्ण वैद्य, इसका हिंदी में लिखने वाला बसंत कृष्ण वैद्य था। हिंदी में जो काम किया था वो नंदलाल बोस ने इसमें सौंदर्य का काम किया था। प्रस्तावना को भी किसने लिखा था? प्रस्तावना को प्रेम बिहारी बोस रायजादा ने लिखा, प्रस्तावना को भी इसने लिखा। प्रस्तावना में जो सौंदर्य का काम किया था वो बिहुअर राम मनोहर सिन्हा ने किया था। आगे चलते हैं। ठीक है, संविधान सभा की अगर मैं प्रतीक की बात करता हूं तो प्रतीक तो इसका क्या था? हाथी था। प्रतीक को संविधान सभा का हाथी था। यहाँ पे राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपना लिया जाता है राष्ट्र। यहाँ पे संवैधानिक सलाहकार की बात करता हूँ, बी एन राव यहाँ का संवैधानिक सलाहकार था। उसका टोटल संविधान लिखने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। उसके बाद टोटल 64 लाख का खर्चा आया था, 64। टोटल 60 देशों का संविधान से लिया गया था, 60 देशों से कॉपी किया गया था। टोटल 166 बैठकें हुई थी, टोटल 12 अधिवेशन हुए थे। इसके बाद ये फैक्ट पढ़ते हैं आगे। अच्छा, संविधान के लिए एक प्रारूप समिति का गठन किया गया, इसका जो गठन किया 29 अगस्त 1947 को किया गया। ये इसका अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसका अध्यक्ष था। टोटल इसमें सात सदस्य थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद फैजुला, डी पी खेतान और बी एल मित्तल, ये इसके अंदर सदस्य पड़ते हैं। उसके बाद में चलते हैं समितियां। अगर कुछ एक समितियां, महत्वपूर्ण समितियों की बात करते हैं इसके अंदर, तो 4-5 समितियां देख लेते हैं। एक तो संघ समिति, संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और राज्य समिति। इन चारों का अध्यक्ष तो पंडित जवाहरलाल नेहरू था। उसके बाद नियम समिति, संचालन समिति, झंडा समिति और रियासत समिति, चारों का अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। ठीक है, परामर्श समिति, उसके बाद प्रांतीय समिति, मूल अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति, चारों का अध्यक्ष तो कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल था। इसकी मूल अधिकार की बात करता हूँ, 2 उपसमितियाँ थी इसकी, मूल अधिकार उपसमिति और अल्पसंख्यक उपसमिति। मूल अधिकार उपसमिति का जेबी कृपलानी था और उपसमिति का इसका कौन था? अल्पसंख्यक उपसमिति का HC मुखर्जी था। ये आपकी क्या संविधान सभा कंप्लीट हो जाती है। आके नेक्स्ट क्लास के अंदर